हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम की। टैली प्राइम में आपको साथ कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि आप जब भी एंट्री पास करने जाते हैं तो बार बार एक मैसेज आता है आपको, और वो मैसेज क्या है, वो मैसेज है नेगेटिव स्टॉक का। ठीक है, जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी, इसके पहले परसों भी मैंने बताया है, और भी बहुत सारी वीडियोज में मैं ये बातें बताता रहता हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में बहुत ही प्राथमिकता के साथ ये बात बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए, अगर टैली आप यूज करते हैं या टैली आप पढ़ते हैं तो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाती है वो बात। वो बात क्या है उसको चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं कि आखिरकार वो बात है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से कंपनी पे चलते हैं। तो यहाँ से एक कंपनी हम बनाने वाले हैं, ठीक है, नई कंपनी बनाएंगे तो ज्यादा बेटर। तो यहाँ पर आए क्रिएट कंपनी पर, और जैसे ही क्रिएट कंपनी पे आते हैं तो यहाँ पर कंपनी का नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज एंड सेल्स कंपनी डाल देता हूँ, ये हो गया परचेज एंड सेल्स कंपनी, ये हो गया सेल्स, और यहाँ पे कंपनी लिख देते हैं, तो ये हो गया परचेज एंड सेल्स कंपनी। और यहाँ पे न्यू कॉलोनी देवरिया कर देते हैं, ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया, और यहाँ पे एंटर करके आ जाते हैं। तो कई बार स्टेट भी छोड़ देते हैं आप, तो स्टेट जरूर डालिएगा, याद रखिएगा, ये हमने डाल लिया स्टेट, बाकी पिन कोड वगैरह डाल लीजिएगा। यहाँ पर पिन कोड मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर इंडिया में कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल 2024। और भी कई जगह हैं, कंट्रीज हैं जहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है, लेकिन हमारे यहाँ 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। अब यहाँ पर आते हैं तो ये काम कब से स्टार्ट हो रहा है उसकी डेट रहेगी, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, तो काम स्टार्ट होने वाली डेट भी आप डाल दीजिएगा, फिर एंटर करके आगे बढ़ जाइए, इसे एक्सेप्ट करा लीजिए। जैसे एक्सेप्ट कराते हैं तो हम इसमें एक काम और करेंगे, जीएसटी को चालू करने का, तो यहाँ से जाके आप जीएसटी चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये यस है, इसको वाई प्रेस कीजिएगा तो ये यस हो जाएगा, और हम रेगुलर जीएसटी फाइल करेंगे, यूनियन टेरेटरी से कोई वास्ता है नहीं। तो यहाँ पर आएगा जीएसटी आई एन नंबर, तो जो भी जीएसटी आई एन नंबर होता हो वो नंबर आप डाल दीजिएगा, और यहाँ पे हम मंथली जीएसटी फाइल करेंगे, और जीएसटी की डिटेल को अल्टर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही अल्टर करने के लिए आएंगे तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन और HSN या SSC कोड पूछेगा, तो इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड, टैक्सेबल, हमें फिलहाल टैक्सेबल रखना है, और यहाँ बाय डिफॉल्ट जीएसटी लगाता हूँ 5% का। ठीक है, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, ईवे बिल को इस बार यस रखेंगे, और यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से 1 अप्रैल से ये सब चीजें चालू होंगी। ठीक है, और यहाँ पे गुड्स वैल्यू डाल देंगे, और देखिए मिनिमम 50,000 की सेलिंग होगी, थ्रेशोल्ड यहाँ पे दिया ही गया है, प्रिंट ई वे बिल इन इनवॉइस, तो यस करेंगे इसको, और ई इनवॉइस अगर आप प्रिंट करते हैं तो इसको भी यस कर सकते हैं। और एप्लीकेबल फ्रॉम कब से एप्लीकेबल होगा, और यहाँ पर बिल फ्रॉम प्लेस, तो यहाँ देवरिया कर देते हैं, देवरिया, और यहाँ पर आते हैं तो डिफॉल्ट पीरियड ऑफ फॉर ई इनवॉइस रिपोर्ट, तो यहाँ पे 3 डेज आ रहा है, तो यहाँ पे 3 ही डेज रहने देते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं और इसे एक्सेप्ट कराते हैं। ये एक्सेप्ट होने के बाद कंट्रोल ए कर देंगे तो ये पूरा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब ये एक्सेप्ट हो गया, अब दिक्कत यहीं पे होती है। देखिए क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि यहाँ पर वी बटन आप प्रेस करते हैं और वी बटन प्रेस करके आ जाते हैं सीधा वाउचर में। देखिए यहाँ पे पेमेंट वाउचर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें तो फिलहाल क्या करना है, परचेज में जाना है। अब बार बार स्टूडेंट सवाल करते हैं, अब ये बिगिनर ही कर सकता है ऐसा सवाल कि सर परचेज ही क्यों, तो यहाँ पे परचेज में आते हैं। तो जैसे ही परचेज में आएंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखेगा आपको, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा परचेज वाला। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर परचेज ही करना है, लेकिन मान लीजिए कि आपने परचेज करने के बजाय यहाँ पे सेल्स करना प्रीफर किया, यानी सेल्स वाउचर में सीधा चले गए, तो क्या होगा, तो बहुत कुछ हो सकता है, क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, उन सारी चीजों को मैं लाइन वाइज दिखाता हूँ। ठीक है, अब बहुत बड़ी गलती होने जा रही है, देखिए आप सीधा यहाँ पे आए, यहाँ पे गए, और यहाँ पर वो डेट आएगी, यानी कि 1/4/2024 वाली डेट यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पे F2 करके और यहाँ 1/4/2024 आप करते हैं, तो यहाँ पे 1/4/2024 होता नहीं है, तो ये तो कई बार बता चुका हूँ। अल्ट के साथ F2 कीजिएगा यहाँ से बाहर आने के लिए, एस्केप बटन, और फिर अल्ट के साथ F2 करिएगा बाहर आकर के, ये देखिए बाहर आए, अल्ट के साथ F2 कीजिए, देखिए यहाँ पे 2023-24 चल रहा है, तो यहाँ 2024 कर दीजिए, 1/4/2024 से 25, तो ये हो गया। आप यहाँ पे डेट चेंज हो जाएगी, 1/4/2024 आप कर सकते हैं, तो यहाँ पर F2 करके तब करिएगा 1/4/2024, तो ये हो जाएगा। देख देता हूँ सप्लायर, और यहाँ पर जो है यहाँ पे KK सिंह कर देता हूँ, KK सिंह, और एंटर करते हैं, और ये जाएगा ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर
का नहीं बल्कि डेटर का, तो ये डेटर हो जाएगा और बाकी सारी डिटेल आप एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करवा लीजिएगा, तो ये हो जाएगा। लेकिन दिक्कत तब आएगी जब आप इसे एक्सेप्ट करवाएंगे, फिर वही दिक्कत चालू हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये प्रोसेसर है और फिर ये नेगेटिव स्टॉक बोलेगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ देखिए ये बाहर आए, यहाँ पे आए और यहाँ पे आए, अब ये देखिए नेगेटिव स्टॉक आ रहा है। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्टॉक ना आए इसके लिए आप पहले परचेस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के पहले परचेस में एंट्री कर लीजिए, ये परचेज में आए, प्रोसेसर यहाँ पे रहेगा। अच्छा, ये भी देखिएगा यहाँ पे के सिंह वाला तब लेजर नहीं आएगा, तब सेंट्रिक क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा, यानी होलसेलर पार्टी का। तो ये हमारा होलसेलर पार्टी है। ठीक है, और यहाँ पर एंटर करते हुए ये बिल लेडिंग नंबर और मोटर व्हीकल नंबर जो भी हो इनका, ठीक है, तो यहाँ पे सब डाल वाल दीजिएगा, फिर एंटर करके जीएसटी आई एन भी आएगा और यहाँ परचेज का लेजर आता है, सेल्स का नहीं आता है। तो यहाँ पे परचेज का लेजर लगा करके और इसका ग्रुप रखिएगा परचेज, और परचेज रख करके एंटर एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, और एक्सेप्ट करा के यहाँ तब प्रोसेसर लगाइएगा। और यहाँ पर अब आप जब परचेज करेंगे तो यहाँ पर कोई एरर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मैंने आप देख सकते हैं कि वो भी दिया हुआ है, ठीक है, बैच नंबर भी दिया हुआ है, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे ईवे बिल यस है, देख सकते हैं यहाँ पे ईवे बिल आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जीएसटी के लेजर्स लगाने हैं, तो सी जीएसटी करेंगे और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे इसका ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस दे दिए और यहाँ पे जीएसटी रखिएगा, और ये है सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पे एंटर करके नीचे आइएगा, फिर नॉर्मल राउंडिंग रख के फिर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराइएगा। तो यहाँ देखिए जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे एस जीएसटी भी कर देंगे, तो ये एस जीएसटी हो गया, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज और ये भी जीएसटी रहेगा और ये स्टेट टैक्स रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देना है थोड़ा सा, और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग रख करके एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो यहाँ दोनों आ गया। अब यहाँ पे ईवे बिल को आप यस रख सकते हैं, और ये जो है डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से डिस्पैच हो रहा है तो वो डालना होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने कर दिया न्यू कॉलोनी देवरिया, ठीक है, ये कर दिया हमने, शिफ्ट टू जाएगा कहाँ, ये तो जाएगा मान लीजिए सपोज कीजिए हम इसको राजस्थान भेजेंगे, राजस्थान भेजेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, तो मान लीजिए कि 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एक बात कह रहे हैं 400 यहाँ पे दे दिया हमने, किलोमीटर में तो अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ ट्रांसपोर्टर का नेम आएगा, तो यहाँ आप ट्रांसपोर्टर का नेम डालेंगे, राम सिंह ये ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, और यहाँ पर एंटर करके आएंगे, इनकी कोई आईडी होगी तो वो आईडी भी आपको डालनी है, जो भी आईडी होगी इनकी। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये रोड से जाएगा, रेल से जाएगा, तो हम बाय रोड ही भेज रहे हैं, तो यहाँ पे बाय रोड आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये व्हीकल नंबर वगैरह आ गया है जैसा कि हमने दिया था। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा, और यहाँ पर आपको अब देखिए ये कह रहा है व्हीकल टाइप किस टाइप की, रेगुलर टाइप की, हम रेगुलर ही रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे रख करके और यहाँ पर आकर के और यहाँ पे दे देंगे द गुड्स हैव बीन परचेज्ड PURCHASEDी। ठीक है, अब ये परचेस कर रहे हैं हम, तो परचेस लिखा है, तो ये हमने परचेस किया। अब जब हम जाएंगे इसका बिल देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए दो बार डी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, और जब इसका बिल देखेंगे तो अल्ट पी करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद इसका कॉन्फिगर करेंगे, तो ये कॉन्फिगर हो जाएगा। और कॉन्फिगर पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे शो मोर एक ऑप्शन आएगा, तो शो मोर पे चले जाइएगा, और यहाँ पर आप देखिए शो ईवे बिल नंबर, तो यहाँ पे ये यस रहना चाहिए, देखिए यहाँ पे यस है। ठीक है, बाकी आप जीएसटी की डिटेल दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं, आइटम वाइज या कैसे दिखाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, कंट्रोल ए कर लीजिएगा और आई बटन प्रेस कर लीजिएगा, तो यहाँ पर ये पूरा बिल जो है आपको दिखाई पड़ेगा इस तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। यहाँ पे देखिए बैच नंबर भी आ रहा है, यहाँ पर बैच नंबर भी जो मैंने दिया था वो बैच नंबर भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ ईवे बिल नंबर भी यहाँ पर आपको नजर आता है। देखिए यहाँ पर जो ईवे बिल वाला था हमारा, तो ये ईवे बिल यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार और इससे बाहर निकलते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ से बाहर आते हैं, कॉन्फिगर पे वापस चलते हैं, तो यहाँ पे जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे ईवे बिल तो दिखाई ही पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये देख सकते हैं ये प्रिंट ईवे बिल, ये ऑप्शन जो है चालू नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो हम इसको भी चाहे तो चालू कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आई होगी कि ईवे बिल किस तरीके से जनरेट करना है आपको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।